छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही प्रदेश भर में आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने और भय का वातावरण फैलाने के उद्देश्य से कई हिस्ट्री शीटर अपराधी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसके लिए दुर्ग पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि दुर्ग पुलिस ऐसे मामलों को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है और आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिले में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। लोग लगातार हिस्ट्री शीटर्स की जो चेकिंग है वो तो कर ही रहे हैं, साथ साथ जो लोग अभी भी एक्टिवली बदमाशी कर रहे हैं या एक्टिवली अभी भी क्राइम में इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध हम लोग प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के विरुद्ध जिला बदर की का प्रस्ताव भी भेजा गया है कलेक्टर महोदय को, और एक बार अगर कुछ और गंभीर शिकायत आती है तो रासुका की कार्रवाई भी इनके विरुद्ध की जाएगी।